की जो गंगा का वो है ना उद्गम, जहाँ से गंगा जी निकलती है, सिर्फ बूंद बूंद पानी गिर रहा है वहां से। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये माता गंगा जी की मूर्ति, और ये सिर्फ बूंद बूंद पानी। और आपको ऊपर से बादल दिखाई दे रहे होंगे, देखना पल भर में मौसम चुटकियों में चेंज हो रहा है यहाँ पर। फिर ऐसी पंडित जी से बातचीत करते रहे, उन्होंने भी बताया कि मुझे भी यहाँ यहाँ जाना है। मैंने कहा कोई नहीं, आपको गाइड कर दूंगा। अभी ये हमें इतना ट्रैक और करना है, वहाँ पहुँचना है फिर हमें। फिलहाल नज़ारा कुछ ऐसा है, और बहुत ही सस्ते में आपको रूम प्रोवाइड कर देंगे, 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक के बजट में। ये खंडवा रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश में, और यहाँ से अभी जो है ना मेरे को ट्रेन पकड़नी होगी नासिक रोड के लिए। 150 रुपये का टिकट लाए अभी यहाँ से, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मेरी ट्रेन है। रेलवे स्टेशन भाई साहब अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। हिंदुस्तान के 13-14 स्टेट के मैंने ऑलमोस्ट जो इंडिया मैंने कवर किया हुआ है ना, वो इसी तरह से कवर किया हुआ है। जनरल डिब्बे में बैठ के लोकल ट्रेनों में, कहीं मुझे थर्ड एसी का टिकट मिला है, कहीं मुझे जनरल का टिकट मिला है, कहीं मुझे स्लीपर का भी टिकट मिला है, लेकिन मतलब 80-90% मैंने जनरल डिब्बे में ही बैठ के मैंने अपना सफर किया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का हाल रहता है जनरल डिब्बे में। अभी तो यहाँ थोड़ा क्राउड कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा था। और अभी जो है नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है नासिक रोड, वहाँ से मैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाऊँगा। बैठे हुए ये बेचारे से सब जो है ना, कोई 2 दिन से सफर कर रहा है, कोई 3 दिन से। पहुंचने का जो इसका टाइम था पूरा 7:30 बजे का था, 1 घंटा लेट है ट्रेन, 8:30 बज चुके हैं। ये कुछ नासिक के आसपास की जगह है जो आप अभी यहाँ से सबसे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए बस वगैरह या जो भी कुछ आगे मिलता है तो वहाँ भी हम चलते हैं। यहाँ से डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाने के लिए जितनी बस थी सब पहले इस टाइम से पहले निकल चुकी है। अब इसके लिए जो ना सबसे पहले मुझे यहाँ से नासिक का जो सेंट्रल बस स्टैंड है वहाँ पहुँचना होगा, उसके बाद में वहाँ से त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए बस मिलेगी। गावरी नदी का कुंड है यहाँ, सब मंदिर में दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। और ऊपर जो पहाड़ों की जो चोटी है ना अंदर, और यहाँ का जो वेदर है ना बहुत प्यारा वेदर है इस टाइम। जैसे हमारे यहाँ सावन के मंथ में होता है ना, ऐसा यहाँ हमेशा रहता है। और आप देखो कितना प्यारा है, और फिलहाल जो प्यारी प्यारी हवाएं चल रही है ना यार, अभी पहले यहाँ पे स्नान कर लें, उसके बाद माँ गोदावरी के कुंड में स्नान भी कर लिया है। बाकी यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है सच में यार, नासिक का जो वेदर है ना मुझे अब तक सबसे प्यारा लगा। और यहाँ मैंने रात अभी एक होटल वाले से पूछा था, बोल रहा था कि यहाँ हमेशा मौसम ऐसे ही रहा, मतलब यहाँ गर्मी तो आपको बहुत कमी के हिसाब से फील होगी। हर महादेव और चारों तरफ भाई साहब मंदिर ही मंदिर, मुझे सबसे प्यारा वो हिमगिरी पर्वत लग रहा है। ये जो आप ये पूरी मार्केट वगैरह देख रहे हैं ना, ये गोदावरी तरफकुंड के पास की मार्केट है। आज मेरी सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई है, 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे हो जाएंगे। परसों ओंकारेश्वर वगैरह में था महादेव। ये जो एरिया है ना, जैसे आपको ऊपर बादल बादल दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा एरिया इसी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है, ब्रह्मगिरी पर्वत से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मुझे जगह तो बहुत प्यारी लगी है, लेकिन जगह के साथ साथ में जो यहाँ का वेदर है ना ऐसा अल्टीमेट। मंदिर भी आ गया त्र्यंबकेश्वर मंदिर, और फिलहाल नज़ारे देखो यार क्या बेहतरीन है। यहाँ मंदिर में प्रसाद में रुद्राक्ष वगैरह भी चढ़ते हैं। बाकी ये भाई दे रहा है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एंट्री कर दी है, लाइव दर्शन चल रहे हैं भाई साहब। आज मेरे पूरे 8 ज्योतिर्लिंग पूरे कंप्लीट हो गए हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है, इस मंदिर की जो हिस्ट्री है ना, इस महर्षि गौतम पे जब गौ हत्या का पाप लग गया था ना, तो उस गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ जो पूरे चारों तरफ ब्रह्मगिरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत की शो परिक्रमा करने के बाद में उन्हें उस पाप से मुक्ति मिल जानी थी। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों रूप में आके महर्षि गौतम जी को दर्शन दिए थे, तो उसी की पूजा होती है यहाँ 8 यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में। और ये जो पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है ना, है तो काफी मतलब ये काले पत्थरों से बना हुआ है। अभी यहाँ से यहाँ के आसपास में जो है ना लक्ष्मण कुंड, और मतलब देखने की तो बहुत सारी चीजें हैं, लक्ष्मण कुंड है और राम जी का कुंड है, और हरिहर फोर्ट है यहाँ, यहाँ से 14 किलोमीटर आगे जाकर अभी वहाँ भी चलेंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे नासिक जितना भी आज में हो पाएगा। ये गोकुंडा का पेड़ है, ये भगवान शिव के लिए फ्लावर चढ़ते हैं। जो मंदिर का स्ट्रक्चर है ना बहुत ही अद्भुत है। हिंदुस्तान के आप किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाओ, जितने भी पुराने पुराने हैं, कोई स्ट्रक्चर तो एक से एक मिलेगी देखने के लिए।
जेल के लिए बड़ा फेमस है, यहाँ का बहुत ही मतलब फेमस फूड है, मीठी चटनी है, डिश है। ये कोई दाल आलू को मिक्स करके जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, अभी सुबह मॉर्निंग के टाइम में यहाँ वेदर इतना प्यारा हो रहा था बहुत ज़्यादा, और अभी बिल्कुल बहुत तेज तेज हवा चल रही है। शिवाजी महाराज लास्ट में एंटर होते के साथ जो है ना, शिवाजी महाराज आने चला बेटा देख। अभी यहाँ से सबसे पहले जो ना होटल से चेकआउट करेंगे, फिर चलेंगे गंगा द्वार, यहाँ से 1 से 2 घंटे लगेंगे आने और जाने में। त्रियंकेश्वर के आसपास का पूरा नज़ारा है एरिया, तो यहाँ सब आपको जो ना धर्मशाला है, होटल, यात्रीगण के लिए जितने भी यात्री आते हैं यहाँ, उन सब के लिए फैसिलिटी दी हुई है। कुछ यहाँ भी घर मकान में देख रहे, देखो जैसे ये लकड़ी के बने हुए हैं, कितने पुराने पुराने होंगे ये। महादेव इसी तरह से काफ़ी सारे मंदिर हैं यार। नासिक भी भाई साहब इतनी प्यारी जगह लगी मेरे को, ये श्री बल्लालेश्वर मंदिर है। ये जो आपको दिख रहा है ना ट्रस्ट, मुझे इस ट्रस्ट में सिर्फ 250 रुपये में रात में नाइट स्टे करने के लिए एक रूम मिल गया था। मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ, उसमें टॉयलेट वगैरह सब बढ़िया था, रूम भी कोई मतलब ज़्यादा स्पेशल नहीं लेकिन फिर भी ठीक था, 250 रुपये में पर नाइट के हिसाब से ये आपको मिलेंगे। आपका नाम क्या भैया? माधव। माधव नाम है भैया का, और बहुत ही सस्ते में आपको रूम प्रोवाइड कर देंगे, 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के बजट में। और ये इसके बिल्कुल जस्ट सामने ये कोई से भगवान जी का मंदिर है, यहाँ के बाद में अभी गंगा द्वार भी चढ़ेंगे। ये तो पूरी भाई साहब तीर्थ नगरी है, आपको चारों तरफ इस तरीके के कुंड, मतलब अभी कुछ उस साइड में भी थे ऐसे कुंड और यहाँ भी है। अभी मैं जो ना गंगा सागर द्वार जा रहा हूँ, गंगा द्वार बोलते हैं उसको। ऐसे रास्ते हैं कुछ इस तरीके के, अभी आगे जो नज़ारे हैं ना वाकई में यार, ब्रह्मगिरी पर्वत चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये आपको पूरी सीढ़ियाँ दिख रही है ना, ये इस तरीके से पूरी 750 सीढ़ियाँ एक साइड। अभी आगे चलते हैं, पूरा त्रियंकेश्वर गांव है। अभी तक इतना सही चढ़ पाए हैं, 150-200 सीढ़ी हुई होंगी मेरे हिसाब से, तो गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये पूरी तरह से सूखा हुआ है। अभी आगे चलते हैं यहाँ से, यहाँ जो है ना जितने भी शॉपकीपर हैं दुकान वाले वो सब बता रहे थे बहुत ज़्यादा का खतरा है आपको, टाइगर तेंदुए वगैरह जैसे ये लिजर्ड वाले, पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये सब मिलती है। ब्यूटीफुल है यार, बहुत ब्यूटीफुल नेचर। और अभी जो है ना वो जो मंदिर आपको दिख रहा है वो 12 शिवलिंग है उसमें, उस मंदिर में इसके जस्ट बराबर में ही गंगा द्वार है। और ये जो नेचर ब्यूटी है जब इसे नीचे से देखते हैं ना तो बड़ी सुंदर दिखाई देती है। तो और बचाए वो आपको फ्लैग दिखा है ना, सबसे पहला टेम्पल वही है। नज़ारे देखो भाई सब यहाँ से, क्या सुंदर नज़ारे हैं, चल चल के हालत ऐसी होती है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं यहाँ गंगा द्वार पे आ गया हूँ, अभी ये गंगा द्वार ही है, और यहाँ पल भर में मौसम देखो कैसे चेंज हो रहा है। उधर सामने आपको धूप निकली हुई दिखाई देगी और यहाँ अभी बरसात हो रही है। और फिलहाल अभी ये आगे जाके ट्रैक पूरा मतलब ये अच्छी भला यहाँ 1.5 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक हो गया है, और अभी आगे जाके 2 या 3 मंदिर और है उनमें भी हम जाके विजिट करेंगे। ये पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत है ना, बूंद की जो गंगा का वो है ना उद्गम, जहाँ से गंगा जी निकलती है सिर्फ बूंद बूंद पानी गिर रहा है वहाँ से। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये रहा ये माता गंगा जी की मूर्ति, और ये सिर्फ बूंद बूंद पानी। अभी बरसात के टाइम में थोड़ा पानी तेज हो जाता है, और गोदावरी नदी का जो उद्गम है ना वो यही है, इसको साउथ की गंगा भी बोलते हैं। इसके बिल्कुल जस्ट बराबर में कुंड बना हुआ है अभी, माँ गंगा का कुंड, इधर गणेश जी विराजमान है। ये पूरा कुंड है, इसके नीचे थोड़ी ना जाते भाई। गंगा द्वार पे जो है ना आपको 3 मंदिर देखने के लिए मिलेंगे, एक तो माँ गंगा का, गणेश जी का, और उधर माता पार्वती का। यहाँ से देखो भाई सब मैं हिमगिरी पर्वत के ऊपर पहुंच गए, और नज़ारे कुछ ऐसे हैं। अभी जो आपको वहाँ एक झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है ना, अभी हम वहाँ भी चलेंगे, जैसे कोई बुजुर्ग वगैरह आ रहा है तो ये पालकी का चार्ज भी है, 1500 रुपये लेते हैं आप आने और जाने का। अब जो मैं आपको मंदिर दिखाने वाला हूँ ना, ये स्वयंभू 108 शिवलिंग का है, और यहाँ गौतम ऋषि की अहिल्या गौतम ऋषि गुफा भी है। अभी ये जो है गुफा के अंदर अभी हम चल रहे हैं, ये गौतम ऋषि जी की गुफा है, 108 शिवलिंग, यहाँ पूरे 108 शिवलिंग की पूजा की जाती है। छोटी सी गुफा है, गुफा के अंदर बैठे हुए हैं, साथ में 108 शिवलिंग भी है यहाँ भगवान जी की। सच बता रहा हूँ इतनी प्यारी जगह है, प्यारी जगह आ रही है। और ये जो आपको ऊपर से बादल दिखाई दे रहे होंगे देखना, पल भर में मौसम चुटकियों में चेंज हो रहा है यहाँ पर। और अभी उस वाले मंदिर में भी जाएंगे, गोरखनाथ जी ने उस वाले मंदिर में 12 साल तपस्या की थी,
गुरु गोरखनाथ जी की गुफा। भाई तो वाकई में यार नेचर बड़ा खूबसूरत है यार। अभी ये जो गुफा है, मैं इस गुफा के अंदर कम से कम 1-1.5 घंटे से बैठा हुआ था क्योंकि बारिश पड़ रही थी लगातार, और कभी मैं निकलने को हुआ एकदम फिर बारिश तेज हो गई, फिर मैं बैठा रहा बहुत देर तक। फिर ऐसी पंडित जी से बातचीत करते रहे, उन्होंने भी बताया कि मुझे भी यहाँ जाना है। मैंने कहा कोई नहीं आपको गाइड कर दूँ। अभी ये हमें इतना ट्रैक और करना है, वहाँ पहुँचना है। फिर हमें नज़ारा कुछ ऐसा है, जगह का जवाब नहीं है। ये जो आपको बादल दिखाई दे रहे हैं ना, मेरे पीछे का वेदर कितना प्यारा हो रहा है। क्यों यार सुनाता, ये गुरु गोरखनाथ जी की गुफा है। इस गुफा के अंदर गुरु गोरखनाथ जी ने 12 साल रहकर तपस्या की, तब वो यहाँ आए थे। ये बंद है फिलहाल, ये अभी बंद है, ताला लगा हुआ है। हाँ So guys, ये था पूरा नासिक का ब्लॉग। मैंने त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन भी कराए, इतनी पहाड़ों की इतनी प्यारी प्यारी वादियाँ भी मैंने आपको दिखा दी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और फिलहाल नज़ारा, जितनी शाम होते जा रही है ना, अभी शाम के 4 बज रहे हैं, नज़ारा ये है। जैसे हमारे यहाँ मतलब यहाँ अभी बरसात चालू होने वाली है क्योंकि सावन आने वाला है। यहाँ पर जो है ना आप ब्रह्मगिरी पर्वत की पूरी परिक्रमा कर सकते हो, और ब्रह्मगिरी पर्वत से हरिहर फोर्ट जाने के लिए वो भी पूरी परिक्रमा होती है पहाड़ों में। लेकिन वो सब परिक्रमा जो है ना सावन के मंथ में चालू होती है। उस टाइम पर क्या है ना क्राउड बहुत ज्यादा रहता है और बरसात बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ जो गौतम ऋषि थे उन्होंने पूरे ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा सावन के मंथ में की थी, तो इसलिए ऐसा करते हैं। यहाँ पर आप जो है ना नीलगिरी पर्वत का भी ट्रैक आप कर सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है। वो जो आपको बहुत बड़ा त्रिशूल दिखाई दे रहा है वो है नीलगिरी पर्वत। आपको ऊपर का जो नज़ारा आपको दिख रहा है ना, मैं वहाँ बिल्कुल टॉप पर होकर आया, जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो गोरखनाथ जी की गुफा है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ना, अभी इस मंदिर का पूरा निर्माण कार्य चल रहा है और ये कुछ स्ट्रक्चर वगैरह इसके अभी रखे हुए हैं। नासिक आओ तो वैसे ये सब चीज़ जरूर, यहाँ का मौसम देख के जो है ना आपको